दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर आप ये जो चीजें देख पा रहे हैं दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है राइट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि गेस कीजिए ये सारी चीजें किससे बनी हुई है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये कांच से बनी हुई चीज है, यानी कि जो ग्लास होता है उससे बनी हुई चीज है। सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप बिल्कुल ही गलत है। ये कांच से बनी हुई चीजें नहीं है, ये जो सारी चीजें हैं बनी है एक लिक्विड से। अब आप कहेंगे लिक्विड से सारी चीजें कैसे बन सकती है, तो मैं आपको बता दूं, हां ये लिक्विड से ही बनी हुई है और उस लिक्विड का नाम है इपॉक्सी रेजिन। देखिए इसमें खासियत क्या होती है कि ये दिखने में ट्रांसपेरेंट होता है और साथ ही साथ में जब ये सूख जाता है तो बहुत ही कड़क हो जाता है। जैसे कांच को अगर आप पटकेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन इपॉक्सी रेजिन से बनी हुई जो चीजें होती है वो टूटती नहीं है, इसीलिए इनकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड होती है और साथ ही साथ में दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। सो अगर आप चाहें तो आप भी इस प्रकार की चीजें घर से ही बनाकर बेच सकते हैं और जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, इस प्रकार का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी बड़ी मशीन भी नहीं लेनी होगी। अगर आपके पास 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप इपॉक्सी रेजिन से बनी हुई चीजें बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं और जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि इससे क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है। दोस्तों जितनी भी चीजें बनाई जा सकती है सारी की सारी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप टेबल बना सकते हैं और देखिए कितना खूबसूरत टेबल इससे बनाया जा सकता है। उसके बाद में आप इससे लैंप बना सकते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर आप इससे ज्वेलरी बना सकते हैं। अब ज्वेलरी में क्या बनाई जा सकता है, इसके अंदर इयररिंग बना सकते हैं, पेंडेंट बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। इसके अलावा ऑफिस के अंदर जो कॉस्टर यूज किया जाता है, मतलब जिसके ऊपर चाय का ग्लास रखा जाता है, वो भी आप बना सकते हैं। साथ ही साथ में किचन बना सकते हैं, बैंगल्स बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें इससे बनाई जा सकती है। अब आपको डिसाइड करना होगा अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं क्या चीज बनाकर आप बेचेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और उसके बाद में आप खुद समझ जाएंगे कि बाकी की चीजों को कैसे बनाया जा सकता है। सो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के अलग अलग बिजनेस आइडिया से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते रहता हूं, तो एक लाइक तो डिजर्व करता ही हूं। साथ ही साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। देखिए दोस्तों इपॉक्सी रेजिन का जो इन्वेंशन था वो 1936 में एक स्विस केमिस्ट ने किया था जिसका नाम था पियर कैस्टन। वैसे दोस्तों इन्होंने इन्वेंशन जरूर किया हो, लेकिन इसकी खोज जो है वो एंशियंट ग्रीक टाइम से ही हो चुकी थी, लेकिन 1936 के बाद में इसको पॉपुलैरिटी मिलने शुरू हुई और धीरे धीरे इसकी अलग अलग प्रकार की चीजें बनके मार्केट में बिकने लग गई और इसका जो मार्केट साइज था वो भी लगातार बढ़ने लग गया। दोस्तों इसीलिए आज के टाइम में रेजिन से बने हुए बाउल्स का इस्तेमाल किया जाता है, रेजिन से बने हुए ट्रे का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, टम्बलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कटिंग बोर्ड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अगर हम इससे बनी हुई कोई भी चीज बेचते हैं तो क्या वो मार्केट में बिकेगी। तो दोस्तों आपको ट्रस्ट हो जाए उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक डेटा देता हूं। देखिए दोस्तों इपॉक्सी रेजिन से बने हुए जो प्रोडक्ट है उनका मार्केट साइज 2023 के अंदर था $820.2 बिलियन का और ये 2032 तक मतलब आने वाले 8 साल के अंदर बढ़कर हो जाएगा $1,403.2 बिलियन का, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम। हर साल ये 5.52% की CAGR से बढ़ने वाला है। सो दोस्तों अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो जो भी इस इंडस्ट्री में काम करेंगे उनकी भी ग्रोथ होने वाली है। सो अगर आपको भी कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम करना है या अपना करियर बनाना है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए हो सकती है। सो आप इपॉक्सी रेजिन से बने हुए कोई प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक पर्सन हैं, आप आर्ट बना सकते हैं, तो इपॉक्सी रेजिन से बहुत ही क्रिएटिव आर्ट भी बनाए जाते हैं और उनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो वो भी आप बनाकर सेल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे प्रोडक्ट कैसे बनाने वो तो बता नहीं सकता, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं आपको कोई भी एक छोटे से प्रोडक्ट का प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे उसे आप अपने घर में ही बना सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर आप इपॉक्सी रेजिन से किचन कैसे बना सकते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। वैसे दोस्तों अगर आप अपने घर से ही बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कम बजट में करना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन होगा आप स्टार्टिंग में किचन का बिजनेस कर सकते हैं या फिर जो ज्वेलरी है, इयररिंग्स, पेंडेंट, ये सारी चीजें भी बनाकर सेल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं किचन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है और कैसे आप बना पाएंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको उन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आप इपॉक्सी रेजिन का किचन बना पाए। सो वो सारी चीजें अगर आप बल्क में खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर बनी बनाई किट्स आती है, ये 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के बीच में मिल जाती है। मोस्टली ये किट को इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग अपने घर के अंदर DIY करके अलग अलग चीजें बना पाए। तो आपको स्टार्टिंग में ट्रायल एंड एरर करने के लिए ऐसी किट खरीदनी होगी। अब इस किट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो उसमें सिलिकॉन मोल्ड होना चाहिए ताकि जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं, जैसे अगर आप किचन बनाना चाहते हैं तो किचन का जो नीचे का पार्ट होता है वही चीज तो मेन बनेगी, तो उसको बनाने के लिए सिलिकॉन मोल्ड होना चाहिए। उसके बाद में उसमें दो बॉटल्स होगी, एक इपॉक्सी रेजिन की होगी और दूसरी हार्डनर की होगी। उसके बाद में उसमें ग्लव्स होने चाहिए, अगर ग्लव्स नहीं होंगे तो आपको बाहर से ले लेना है। उसके बाद में आपको वुडन स्टिक की जरूरत पड़ेगी, कप्स की जरूरत पड़ेगी ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर पाए। उसके बाद में सारी चीजें ऑप्शनल है क्योंकि बाकी की जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी डेकोरेटिव चीजें होती है, तो हर किट के अंदर आपको डेकोरेशन का अलग आइटम मिलेगा। सो आप अपने रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से कोई भी किट खरीद सकते हैं। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक या दो किट का लिंक दे दूंगा, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद भी सकते हैं।
सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ किचन कैसे बनाया जा सकता है। सो इपॉक्सी रेजिन से बहुत ही खूबसूरत सा किचन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्लव्स पहन लेना होगा। उसके बाद में किट के अंदर जैसे कि मैंने कहा दो बॉटल्स मिलेगी, एक होगी इपॉक्सी रेजिन की और दूसरी होगी हार्डनर की, तो इन दोनों बॉटल्स को ले लीजिएगा। उसके बाद में जो कप आएंगे उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा दोनों डालना होगा, दोनों की क्वांटिटी सेम होने वाली है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक बड़े कप की जरूरत पड़ेगी और इन दोनों को ही उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं कहता हूँ अच्छे से मिक्स कर लेना, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि दोनों को इतना अच्छे से मिक्स करना है कि अंदर कोई भी एयर बबल ना रहे, क्योंकि अगर एयर बबल रह गए तो जो आप किचन बनाएंगे उसके अंदर एयर बबल दिखेंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको अच्छे से मिक्स करना है। फिर दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। सबसे पहला, जो मिक्सर आपने तैयार किया है उसके अंदर आप डेकोरेशन के सारे आइटम्स को डाल सकते हैं और फिर डायरेक्टली इसको मोल्ड में डाल सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आप मोल्ड के अंदर सबसे पहले मिक्सर को डालेंगे और ऊपर से अपना डेकोरेशन का आइटम डाल देंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीटली आपकी चॉइस होने वाली है, आप डेकोरेशन किस तरीके से करना चाहते हैं, पहले तरीके से या फिर दूसरे तरीके से। अब मान लीजिए आपने सारी चीजें डाल दी और डालने के बाद में अगर आपको किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना है तो आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे एक जगह से दूसरी जगह पे सारी चीजों को डाल सकते हैं। अब देखिए किट के अंदर जो डेकोरेशन के आइटम आएंगे जरूरी नहीं आप उन्हीं का इस्तेमाल करें, आप अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ और चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मार्केट में आपको मिल जाएगी डेकोरेशन के आइटम के तौर पर, तो उन चीजों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब दोस्तों एक बार जब आपका डेकोरेशन का काम कंप्लीट हो गया उसके बाद में सिलिकॉन मोल्ड के अंदर आपने जो मिक्सर डाला है इसको आपको सूखने के लिए छोड़ना होगा और उसको सूखने में लगभग 24 घंटे का टाइम लग जाता है। तो आपको ऐसी जगह पे रखना है जहां पे आसानी से सूख सके और एक बार जब ये सूख जाएगा तो ये कड़क हो जाएगा। उसके बाद में आप इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं और जो चेन होती है किचन की वो इसके अंदर लगा देनी है और आपका किचन बनकर रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों आपने देखा इपॉक्सी रेजिन की मदद से किचन बनाना कितना आसान है। बस आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है, दमे की प्रॉब्लम है, तो उसको ये बिजनेस अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इपॉक्सी रेजिन से उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब दोस्तों अगर कोई भी ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस देखने के बाद में आप खुद ही समझ गए होंगे। बस आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, आपको एक पॉलिशिंग मशीन ले लेनी चाहिए ताकि मोल्ड से बाहर निकालने के बाद में आप उसको थोड़ा सा पॉलिश कर सके तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें शाइनिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी। जो भी चीज आप बना रहे हैं, भले आप किचन बना रहे हैं, इयररिंग्स बना रहे हैं, पेंडेंट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको पॉलिश करने के लिए आपको एक पॉलिशिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, वो आप खरीद लीजिएगा, दैट्स इट, आपको इतनी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। वैसे मैंने आपको लमसम बताया 10,000 से 25,000 के बीच में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, फिर भी एक्जेक्टली कितना इन्वेस्टमेंट आता है वो समझ लेते हैं और उतना इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस से कितना पैसा कमाया जा सकता है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक किचन बनाने का कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, उसको आप कितने में मार्केट में बेच सकते हैं और कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपको इपॉक्सी रेजिन और हार्डनर बल्क में खरीदना होगा। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं अगर आप 25 किलो का खरीदते हैं तो लगभग आपका 6,000 रुपए खर्चा आने वाला है। सो मैं मान के चलता हूं इनिशियली आप 6,000 रुपए का मटेरियल खरीदते हैं, उसके बाद में 4,000 रुपए के अंदर आपने डेकोरेटिव आइटम और जो दूसरी चीजें होती है वो सारी चीजें खरीद ली, तो टोटल हो गया 10,000 रुपए। उसके बाद में दोस्तों अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो छोटी मोटी और भी चीजें लग सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉलिशिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं पकड़ लेता हूं टोटल 5,000 रुपए और, मतलब हो गया 15,000 रुपया। उसके बाद में दोस्तों ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, लाइसेंस लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपका सीए आपको गाइड कर देगा, तो उसके लिए भी मैं 10,000 रुपए पकड़ के चलता हूं। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट जो जाएगा वो लगभग जाने वाला है 25,000 रुपया। 25,000 रुपए के अंदर ये बिजनेस आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। अब इससे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा, चलिए वो देखते हैं। अब दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक पीस किचन बनाने का कॉस्ट कितना पड़ेगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया इपॉक्सी रेजिन और हार्डनर आपका 6,000 रुपए में 25 किलो आ जाता है। सो मैं मान के चलता हूं कि किचन के अंदर आप जो पीछे का मटेरियल है उसको 10 ग्राम का बनाते हैं तो 25 किलो के अंदर लगभग 2,500 किचन बनकर तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों 6,000 रुपए का टोटल मटेरियल था और 2,500 पीस बनकर तैयार हो चुके हैं तो एक पीस का मेकिंग कॉस्ट पड़ेगा 2.40 रुपया। अब 1.60 रुपया आप पकड़ लीजिए डेकोरेटिव आइटम का तो टोटल हो गया 4 रुपया। उसके बाद में चेन भी लगानी पड़ेगी तो चेन आपको मार्केट में मिल जाएगी 60 पैसे से लेकर 1 रुपए के बीच में, तो हम मैक्सिमम 1 रुपए पकड़ लेते हैं। मतलब एक किचन बनाने का आपका जो कॉस्टिंग पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है 5 रुपए के आसपास। इसको आप मार्केट में 8 रुपए में सेल कर सकते हैं, 10 में सेल कर सकते हैं, 12 में सेल कर सकते हैं, जैसा आपके आसपास का मार्केट है उस हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूं ऑन एन एवरेज आप 10 रुपए में सेल कर रहे हैं तो जो दुकान वाला है वो उसको 15 रुपए में या फिर 20 रुपए में आसानी से सेल कर सकते हैं। सो आपको भी 5 रुपए का प्रॉफिट होगा और जो दुकान वाला है उसको भी 5 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपको एक पीस पे 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, दिन में अगर आप 100 पीस भी सेल कर देते हैं तो 500 रुपए आप कमा सकते हैं, और अगर आप 500 पीस सेल करते हैं तो 2,500 रुपए कमा सकते हैं, और अगर आप 1,000 पीस सेल करेंगे तो 5,000 रुपए तक भी कमा सकते हैं, वो भी अपने घर से ही बिजनेस शुरू करके। अब देखिए दोस्तों ये बिजनेस आप रिटेल में तो कर नहीं रहे कि एक एक कस्टमर को सेल करेंगे, आप जिस भी दुकान पे जाएंगे कम से कम वहां पे आपको 10 पीस से लेकर 50 पीस का ऑर्डर तो मिलने वाला ही है। सो आप आसानी से 1,000 पीस भी दिन का सेल कर सकते हैं अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों एक और तरीका है जिसमें और भी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, वो तरीका है कस्टमाइजेशन करके देना। मान लीजिए किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से बनाना है, किसी को बॉयफ्रेंड के नाम से बनाना है, वाइफ के नाम से बनाना है, किसी के भी नाम से बनाना है, या फिर कोई स्पेशल चीज लिखवानी है, कोई स्पेशल चीज इंसर्ट करवानी
करवानी है तो उसके लिए आप ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। कोई भी आपको 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक आसानी से दे सकता है। अब आप कहेंगे कि मुझे ऐसे कस्टमाइजेशन के ऑर्डर्स कहां से मिलेंगे, तो देखिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके आसपास में जितने भी गिफ्ट शॉप हैं उनमें जाके बात कर सकते हैं कि अगर किसी को भी इस प्रकार की चीज कस्टमाइज करवानी है तो सिंपली आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं इतने में आपको बना के दे दूंगा और आप उसको आगे इतने में सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में मेरा सजेशन होगा, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डायरेक्टली शुरू मत कीजिए, सबसे पहले अपने आसपास के मार्केट में थोड़ा रिसर्च कीजिए कौन इस प्रकार की चीज बनाकर सप्लाई कर रहा है। अगर आपके आसपास में कोई भी सप्लाई नहीं कर रहा है, बाहर से चीजों को मंगाया जाता है, तो उस केस में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आसपास में लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके आसपास में अगर ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा आप कोई दूसरा बिजनेस आइडिया ट्राई कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास बहुत बजट नहीं है और वो अपने घर से ही शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।